तो भानवे उनका वीडियो मेरे को भेजते, बोलते कि भाई अब तो इनको भी मिल गया, तुझे कब मिलेगा। कोई डेज बॉल नहीं लग रही हैरी पॉटर के। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अदर मकबैंग। यार आज का मकबैंग बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज के मकबैंग में है मेरे पास कोलकाता की ऑथेंटिक डिशेस। मैं हूँ इस टाइम में नोएडा में, और मुझे दिखा एक ऐसा रेस्टोरेंट जो कि यहाँ कोलकाता का खाना सर्व करता हो। मैंने रिव्यूज पढ़े तो फिर भाई हर किसी ने ये बोल रखा था कि ऑथेंटिक टेस्ट कोलकाता का इन्होंने ला रखा है। तो मैंने कहा भाई ट्राई करना तो बनता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन मुझे अभी भी ढंग से नहीं आता तो माफ करना। सेंटर में है मेरे पास चिकन कौशा, ये इनका एक हाफ है और इतना ही आया है भाई, दिखने में बेहतरीन लग रहा है। इसी के साइड में है मेरे पास मटन कौशा, कलर देखो, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखो, अभी दिखने में तो परफेक्ट लग रहा है। बाकी ऊपर से मैंने हरी मिर्च रख रखी है, साइड में मैंने प्याज वगैरह रख रखे हैं, और ये जो दो कटे हुए अंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं इनके एग डेविल, जो कि होल एग में ऐसे दिखते हैं, उसी को मैंने बीच में से काट के यहाँ रख रखा है। इस साइड आ जाए तो फिर भाई ये रही अपनी कोलकाता की सुपर फेमस लूची। बेसिकली ये पूड़ी की तरह ही होती है, लेकिन ये डिफरेंट फ्लावर में बनती है। पीछे की साइड है मेरे पास कोलकाता स्पेशल चिकन बिरयानी मेड इन देसी घी। बाकी सेंटर में है मेरे पास ऑलिव एंड चिल्ली फुल अनकट नान, और इस साइड है मेरे पास एक फुल अनकट बटर नान। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रहा अपने पास एक चॉकलेट ट्रफल केक का स्लाइस। केक क्योंकि एंड में खाना है तो फिर इसको जरा साइड में रख लेते हैं। या देखो मैं ना बहुत टाइम बाद कोलकाता का खाना खा रहा हूँ, तो अपन खाने पे आज ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। चीज़ बॉल से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। वन ऑफ माय फेवरेट्स, लूची और मटन का कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन मेरे को आज तक मिला नहीं है। आए हाय यार, वेट अ सेकेंड, पोजिशंस थोड़ी सी हम चेंज करते हैं। आए हाय 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 हाय, ये देख लो कितने प्यार से अलग हो रहा है। मटन कौशा, शक्ल देखो इसकी, मैं बहुत बड़ी बात बोलने आ रहा हूं, बहुत ही बड़ी बात। मैं इस मटन के लिए अपना बटर चिकन छोड़ सकता हूँ स्ट्रेट अप। मतलब चॉइस मिले ना कि अब या तो आप बटर चिकन खा सकते हो, आप ये वाला मटन नहीं खा सकते, मटन कौशा मैं इसे चूज करूंगा। चिकन कौशा भी ट्राई करके देखते हैं भाई। ये रहा लेग, आई होप इसमें दिख रहा हो, ये निकाला पीस और ये इतना इजीली निकल भी गया। नॉनवेज आइटम जब परफेक्टली कुक्ड होते हैं ना, और पीसेस अपने आप बोन को छोड़ रहे होते हैं, उससे बेटर चीज कुछ नहीं होती भाई खाने में। कलर देख रहे हो आप इसका, जितने भी मेरे बंगाली व्यूअर्स हैं ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर मैं गलत हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कौशा का मतलब होता है घी में प्रिपेयर करना, अब वो मटन कौशा भी हो सकता है, वो चिकन कौशा भी हो सकता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, जिस किसी को भी पता है कि इसका असली मतलब होता क्या है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हैदराबाद, कोलकाता और साउथ साइड, थोड़ा जितने भी लेग पीस वाले वीडियोस मेरे को दिखते हैं, उसमें लेग यू में डालता हूँ मैं, जो मैं निकालता हूँ खाली हड्डी आती है, एग्जैक्टली जैसे इसके साथ हुआ है। अपने वहाँ आसपास इतना नहीं होता भाई, पीस बोन को नहीं छोड़ता। इन दोनों में लेकिन बेटर हो क्या रहा है भाई यार।
मटन बैटर हो रहा। एक चीज़ और बता दूँ, इसका ना थोड़ा सा ग्रीनिश कलर है, तो जब ये देखा ना मैंने तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि यार ये टेस्टी होगा या नहीं होगा, बट भाई कलर डजेंट मैटर, अब मेरी ये फीलिंग है। ज़रा इनका एग डबल भी ट्राई करके देख लेते हैं। यार इनकी कोई स्पेशल अपना कोलकाता की चटनी लग रही है। इसमें रखते हैं प्याज। एक और शक्ल देखो ज़रा, सरसों की चटनी है शायद से, पता नहीं, बट जो भी है बढ़िया है। यहाँ मेरा फेवरेट बटर नान रखा है, फेवरेट ग्रीन चिली पराठा रखा है नान, बट स्टिल मैंने चार लूचियाँ खाई मैंने। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मटन या चिकन लूची के साथ नेक्स्ट लेवल होता है। लेट्स ट्राई दिस आउट, फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग ग्रीन चिली नान। पराठा बहुत खाया है। स्पाइसी बट इन अ गुड वे। यार ऐसे रेस्टोरेंट्स देहरादून में क्यों नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ब्लैंड लग रही है अभी, मतलब कलरलेस सी लग रही है। जनरली क्या होता है, मसाला ना नीचे होता है बिरयानी में, इसमें वैसा नहीं है। इसी कलर में आई है, कोई मसाला नहीं दिया गया इसके साथ, बट हाँ ये सालन है, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर पोर करते हैं। हाँ हाँ, एक तरह से आप ग्रेवी मान सकते हो इसे, ट्राई करके देखिए। मैं ऐसा मानना चाहूँगा कि इनको बनानी नहीं आई, क्योंकि फ्लेवर्स इतने कुछ है नहीं इसमें। अनडाउटेडली इट इज़ गुड जो इसके साथ ग्रेवी आई है, सालन जो भी है उसमें भी स्पाइसेस ना परफेक्ट अमाउंट में डाली गई हैं, बट ये भी थी कोलकाता स्पेशल कुक्ड इन देसी घी, तो देसी घी का ना इतना टेस्ट आ नहीं रहा है। घी में जब खाना प्रिपेयर होता है ना भाई, उसका अरोमा ही डिफरेंट होता है। इन दोनों में फिर भी घी का टेस्ट आ रहा है ना, कुछ एविडेंट नहीं है, बट बिकॉज टेस्ट अच्छा है तो इसलिए मैं इतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा हूँ उस बात को कि ये घी में पकाए गए हैं, समझ रहे हो, क्योंकि घी का टेस्ट बहुत कम आ रहा है। बटर नान के साथ भी ट्राई करके देखते हैं। जो मज़ा लूची के साथ है ना वो नहीं आ रहा नानों में, कुछ कर लो। मैंने पहले लूची ट्राई कर ली इसलिए मुझे उसके सामने नान के साथ कुछ भी नहीं लग रहा है। नान भी देख लो भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ये देखो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, ऐसे आपने कम ही नान टूटते हुए देखे होंगे। ये पास में ही है एक दाना चौकी नाम से, ऐसा कुछ है, वहाँ से मंगाया है ये भी और चिली नान भी। मटन में कुछ तो भाव है,
इसमें भाई इन्होंने आलू वगैरह भी डाल रखे हैं, काजू भी डाल रखा है, क्या पता इसी बंदों काजू अंडे को कोई एक ऐसा डिस्टिंक्ट फ्लेवर देता हो तो उसका मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट अभी तो वो बस ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती काजू डाल दिया है, मतलब इतना कुछ टेस्ट एनहेंस कर नहीं रहा है वो। और वो अंडे की भी टेस्ट को काट रहा है। जैसे भी पकाया भाई, बेहतरीन पकाया। थोड़ा चावल डालते हैं। आज अपन ज़्यादा नहीं खाएगा क्योंकि कल एक फ्रेंड का बर्थडे भी था जिसका केक यहाँ है, पिज़्ज़ा हट का एक पिज़्ज़ा, उनकी गार्लिक ब्रेड वेज वाली, और बेकिंग बैड का एक नेपोली पिज़्ज़ा, ये सब खा रखा था मैंने। 2:30 बजे अपन नीचे गए, इन लोगों को थोड़ी और भूख लगी, चलो परांठे खाते हैं, तो मैंने कहा चलो आज चीट डे समझ लेते हैं, तो मैंने नीचे परांठा ही बेल लिया, एक परांठा। तो काफ़ी बदपरहेजी हो गई कल। एक चीज़ केक भी खाया था, और सिर्फ इसलिए खाया था क्योंकि भाई नोएडा में उससे बेटर चीज़ केक कहीं मिल ही नहीं सकता। बेकरी का नाम कल के चीज़ केक की फ़ोटो आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, अगर आपके स्विगी में आ रहा है, आई बिलीव स्विगी में ही है, जोमेटो में नहीं है, तो भाई एक बार इनका चीज़ केक ट्राई करके देखो, इनसे बेटर चीज़ केक मार्केट में और कोई नहीं बना रहा नोएडा में। बैटर ब्लिंक होने लग जाते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। ये वाली हरी मिर्च तक लिया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि आप ऑर्डर कर लो, ये तीनों ही आइटम्स, लूची, मटन कोशा और चिकन कोशा, ये तीनों ही आइटम्स ऐसे हैं कि जब तक आप लिमिट में खा रहे हो ना तब तक आपको ये बहुत बेहतरीन लगेंगे, और इनकी लिमिट वो होती है कम। ऑथेंटिक कोलकाता के डिशेस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने नहीं ट्राई करी है, बट हाँ इनके लिए इस रेस्टोरेंट ने जैसे बनाई है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे अफगानी चिकन होता है ना, मीठा होता है, तो इनिशियल 4-5 बाइट बेहतरीन लगता है, ओवर कर लो तो फिर भाई बहुत ही गंदा लगता है, खाया भी नहीं जाता है। तो सेम इज़ द केस विद दीज गाइस, इनकी लिमिट थोड़ी सी कम है, तो अगर मंगाओगे तो उस हिसाब से मंगाना। मैं हूँ देखो बहुत ही ज़्यादा ब्लंट इंसान, जो मन में होता है मैं बोल देता हूँ। कि भानु भैया का आज मैसेज आता है, एक रील या उन्होंने यूट्यूब शॉर्ट भेजा, एक ट्रक ड्राइवर है, ट्रक में ही खाना बनाते हैं और खाते हुए दिखाते हैं, और उनको गोल्डन प्ले बटन है, तो भानु भैया उनका वीडियो मेरे को भेजते, बोलते कि भाई अब तो इनको भी मिल गया, तुझे कब मिलेगा। एनीवे मैं तो यही सोच के चलता हूँ, जब सही टाइम होगा तब हो जाएंगे अपने भी 1 मिलियन। इसको एक नॉर्मल बिरयानी के साथ कंपेयर करें तो थलाई राज की बिरयानी इस फार बेटर देन दिस। अपन आ जाते हैं भाई अब स्टार ऑफ द डे पे। अब दिख रहा है फूल, क्विडिच बॉल नहीं लग रही, हैरी पॉटर के आर्टिफिशियल है। कल मैंने यही केक खाया था, दिख रहा है, ये भी वहीं से आया जहाँ से चीज़ केक आया था, बेहतरीन। केक में क्या होता है, एक स्लाइस से ऊपर खाना आपको मीठा ज़्यादा लगने लगता है।
लेकिन लक्ष्मण हर केक के साथ ऐसा नहीं लगता। कुछ केक होते हैं जो अंदर से ए टू जेड चॉकलेट है, बाहर से एक क्रीम है बस, चिल बेहतरीन होते हैं। आज के वीडियो में भाई मज़ा आ गया। कौन से रेस्टोरेंट से मंगाया था मैंने सामान वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा देखने को, वहाँ से देख लेना। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल गेट यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।